वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी पहुंच चुके हैं जी पिंड ब्रंची पर, क्योंकि पहला पिछली वीडियो दे विच आप जी देख सकते हो जो असी पिंड दे विच एंटर हुए सी ते रेंज बहुत घट सी ते हुण भी रेंज टुट सकती है। ते ये पोथी साहब है जी बहुत पुरातन ते बिरध पोथी साहब जी ने जो कि इस परिवार वालों दसे जाते हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी वालों इस परिवार को पोथी साहब दे के गए सन। तो असी परिवार नाल गल भी की है कि बहुत ज़्यादा तुसी देख रहे हो कि बिरध हो चुके हैं बिचों तोड़ निकली है कि इस ठीक भी करवाया जाए जिल्दबंदी भी करवाई जाएगी। तो दूसरे नंबर के उत्ते धन धन गुरु नानक साहब महाराज जी सचे पातशाह कृपा करो। जदों धन धन गुरु नानक साहब जी इस परिवार के कोल आए सीगे ते इन्हां ने मंग की सी कि सचे पातशाह जी सानू तुसी निशानी दे के जाओ। तो उस समय गुरु नानक साहब जी पातशाह ने इन्हां परिवार को एक कड़ा जिहड़ा है एक कड़ा जो आप जी दर्शन कर रहे हो इस परिवार को गुरु साहब जी कड़ा दे के गए सी ते अज भी 500 साल तो इन्हां दे कोल एक कड़ा सांभिया होया है। तो मैं बेनती करा वीडियो बहुत दूर तक जानी है तो कई लोगों ने इत्थे पहुँच भी की इन्हां दे कोल खरीदण की भी कोशिश की गई। इन्होंने कहा भी असीं तुहानूं करोड़ रुपया दे देंगे 2 करोड़ दे देंगे सानूं कड़ा दे दो पर सुनो ये की कहिंदे ने। आपको ऐसे हुआ था भी लोगों ने बोला कि पैसा देंगे हम कड़ा दे दिए? देखो वह भी लोग ने जिहड़े कि दो दो टकियां ते बिक जांदे ने पर आ गुरु नानक साहिब दे उह सिख ने जिहड़े करोड़ां रुपया देण ते भी बिके ने कि सच्चे पातशाह जी इह तुहाडे बख्शिश कीता होया सी कड़ा नहीं देवांगे तुहानूं। ते सच जाणो पाठ बड़ा सोहणा करदे ने कहिंदे आओ पाठ करके सुणाईए आप। एक ओंकार सतनाम करता पुरखो निर्भयो निर्भयरु अकाल मूर्ति अजूनि सम्यं गुरु प्रसादी आदि सच्चु जुगादि सच्चु हई भी सच्चु नानक भी सच्चु वाहिगुरु 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 प्रथमे सुमरुए भगवती गुरु नामक देव साहुए गुरु अंगद देव गुरु अमर दास गुरु राम दास गुरु अर्जुन देव पंथ लाए गुरु हर गोविंद गुरु हरि राय गुरु हरि कृष्ण साहुए नवम गुरु तेग बहादुर गए नौ निधि आउे धाउे दशमे पातशाह खालसा जी साहेब गुरु गोविंद सिंह अमृतरिदाता सबिताई साहुए वाहिगुरु 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 प्रभु तुमारी ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना सेवा न जाना तेरे सब तेही बड़ा सद्गुरु नामक जिनकी रखाए मेरे वाहिगुरु 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 प्रभु तुमारी अंत तुम्हें ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी वाहिगुरु 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 बोले सोनिहाल और पूरा पिंड गुरु नानक साहब जी नु कुल देवता दे नाम ते तुसी बच्चे बच्चे कोलो मूल मंत्र सुन लो इत्थे आके आप सुनाइएगा आप ही सुनाइएगा। एक ओंकार सतनाम करता परखु निर्भय न गुरु अकाल मूर्ति अजन सेवन गुरु प्रसादी आदि सच्चु जुगादि सच्चु हई भी सच्चु नानक भी सच्चु वाहिगुरु 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 प्रथमे सुमरे भगवते गुरु नानक देव साहे गुरु अंगद देव गुरु अमरदास गुरु रामदास गुरु अजन देव पंथलाए गुरु हरगोविंद गुरु हर कृष्ण साहे नवम गुरु तेग बहादुर हर नौ निधि आवे थावे दशम पालसा खालसा जी साहेब गुरु गोविंद सिंह अमृतदाता सबते छावे वाहिगुरु 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 ज्ञान ध्यान किसी कर्म न जाना सेवा न जाना तेरे
सबते बड़ा सदगुणन को जिनकी रखाया मेरे वाहिगुरु 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 प्रभु तुम्हारी अंत तुम्हें ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आप माता जी आइए, ये गांव के समझते नहीं, भाषा नहीं समझते हैं ते बच्चे ने गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन क्योंकि भाषा नहीं समझते ते आया उसको 5000 रुपया दे दो वो दौड़ के आया है। अरे बच्चे हम बच्चे लोग को देंगे, मैं इनको देंगे, हम कोशिश करेंगे संगत जी साडा दिल करदा जे कोई वीर वीर चाहुंदा है ते साडा दिल करदा कि असी हाले 2-4 दिन इस इलाके च रहिए ते लंगर लगाइए सारिया संगत वास्ते। केड़े केड़े वीर जेड़े ने ओ सेवा पाउणे चाहुंदे ने ओ दास नू फोन करन 9781913113 ते मैं वापस इत्थों चाहे 200 किलोमीटर जाना पवे फिर वापस आके लंगर लगावांगे, पूरा एक प्रोग्राम जिहड़ा है वो असीं इत्थे करांगे संगत दे लई, बाणी पढ़ के संगत नूं सुणावांगे। ते गुरु नानक साहिब जी तो एड्डी कृपा गुरु नानक साहिब जी दे इस परिवार दे उत्ते है, असीं तां नाम नहीं जपदे, असीं कदे वाहिगुरु नूं याद नहीं कीता, पर ये लोग देखो असीं कहिंदे वाहिगुरु जपण दे की फायदे ने, तुसीं इहनां कोलों आके पुछो ना जिहड़े दिल विच वसा के रख्या वाहिगुरु 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 जप रहे ने। गुरु नानक साहिब ने तो सिक्खी का बूटा किते किते लाया पर साडे कोल संभालिया नहीं गया, केवल साडे कोल वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगा बनाईया गई ने। कदे आके वाइब्रेशन महसूस करो ना की पावर की कड़े दे विच, किन्नियां कृपा ने इस कड़े दे विच जो गुरु नानक साहिब जी इन्हां नूं दे के गए ने, जो बख्शिश करके गए ने। असीं तां पता नहीं कितें पत्थरां दे विच टक्करां मारी जांदे आ, पर सच जाने ये लोग जो बाणी पढ़ते हैं आओ कदे इन्हों वल आईए सांभीए इन्हों की सार लईए आके कदे। सो गुरु कृपा करे जी, बड़ी मुश्किल के नाल एक पिंड सानू लभ्या ते असी धन्नवाद करते हैं पुछ पुछ के क्योंकि मैं 3-4 दिन तो बार बार कलकत्ते तो कितों चलिया हुआ, सवेरे निकल जाने पता नहीं रात कितने कटते हैं, कितने होटल के किराए कमरा लई दे, पर चलते हैं भी लभ लीए पिंडा होर लभने ने, हले इन्ना कि भी नहीं लभ्या गया साढ़े को, हले बहुत कुछ पिया जो संगत जी थोड़े सामने लेके आना दिखा कि साड़िया साखियां झूठिया नहीं, साडा इतिहास झूठा नहीं है, साडा इतिहास सच्चा है, साडा वो इतिहास है जिहड़ा लोग समोई बैठे ने। यह वो लोग ने जिहड़े तुहानू कहिंदे ने इतिहास तो कुछ है ही नहीं, टक्करां मारदे ने, पर सज्जनो इन्हां नूं पुछो आके इतिहास, इन्हां लोगों नूं पुछो आके साढ़े तो धर्म के नाम के उत्ते वड्डे वड्डे गुरुद्वारे बना के बिजनेस किया होया, इन्हां लोगों नूं आके पुछो जो अज भी वाहिगुरु वाहिगुरु इन्हां बाणी नूं देखो गुरु साहिब जी की बाणी नूं संभाल के रख्या होया। हिंदी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी लैके आए ने, कोई पढ़ के सुनाओ आके, आओ पढ़ के सुनाओ हिंदी दे विच आके, इत्थे दे लोगों नूं तुसीं नाल लैके जिहनूं उड़िया भाषा आउंदी है उन्हां नूं दसो, पूरा पिंड गुरु नानक देव जी नूं कुल देवता दे नाम दे नाल जाणदा है। गुरु कृपा करे, पता नहीं कदों साडी कौम दे उत्ते इह आऊगी कि असीं इन्हां परिवारां नूं सांभ सकदे आ, इन्हां परिवारां नूं गल दे नाल ला सकदे आ। इह देखो पंडित जी ने पर इह क्यों नहीं पूजा करदे, कहिंदे जी इह असीं कहिंदे वी असीं ओह है शुद्र है, इह शुद्र इह पंडित, पर फिर भी देखो किन्ना प्यार है गुरु नानक साहिब जी कृपा इस परिवार शूद्र परिवार जिन्हों जिदे ते कृपा की हुई, जिन्हें गुरु साहिब जी की सेवा कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश की गई इन्हों पर नहीं खरीदे गए, नहीं खरीदे गए, रोजाना आके सेवा करते हैं, आके महाराज के इस कड़े की सेवा करते हैं, वाहगुरु वाहगुरु का पाठ करते हैं, पोथी साहब नमस्कार करते हैं, आके बाणी मत्था टेकते हैं, आके गुरु ग्रंथ साहब दियाँ अरबा पतियां के घर च नहीं पईयां होनियां, करोड़ों पति बैठे ने लोग उन्होंने किसी घर के शराब दियाँ बोतलां निकल जानियां ने, उन्होंने घर के शराब दियाँ बोतलां निकलिया निकल जानियां ने, उन्हें मैं नहीं बोल सकता पर पुछ के देखो कि 2 करोड़ नहीं किन्ने करोड़ सिखा ने, पर उन्होंने घरों गुरु ग्रंथ साहिब दियां सेंचियां नहीं कितने से मिलनियां। इत्थे तुसीं देखो इन्हां परिवारां दे कोल हिंदी दे विच पंजाबी नहीं पढ़नी आउंदी पर हिंदी दे विच सेंचियां पईयां ने, पढ़ के सुनाओ। मैं जरूर तुहाडे नाल इस एड्रैस की भी सांझ पावांगा, दसांगा भी ये तुसीं जंगल दे एरिए दे विच पिंडां पिंडां दे विच दी हो कि किवें तुसीं इस ब्रंचीपुर दे विच
उड़ीसा दे विच जिथे उड़िया भाषा बोली जाती है उत्थे तुसी पहुंच सकते हो, इत्थे आके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि गुरबाणी तो बिना साडा कुछ नहीं है, गुरबाणी साडा आधार है। ते जदों असीं इह चीज़ां चीज़ां नहीं है, इह कीमती सौगातां दे दर्शन करदे आं, साडे अंदर होर प्यार जागदा, सच्चे पातशाह साडे ते कृपा क्यों नहीं कीती। बड़िया ने मैं कॉल आते हैं भी जी दसो तुसी, पर कई फोन करके हट जाते हैं, कई नाल जुड़े हुए ने भी जी दसो। मेरा तो दिल करता कि मैं काफ़ी देर तक इतने पर कदे कि जाके रहना पैंदा, मुश्किल आती है, पर फिर भी उन्होंने मुश्किलों के भी असी रह के सफर नहीं कर सकते, रात को इलाके ऐसे ने, पर फिर भी होटल च रह के फिर आने, फिर आके दर्शन कराने। हाले दो पिंड मैं होर पता लगे ने इस इलाके उन्होंने पिंडा भी जाना दसना उ चीज़ा पईया ने, किमें गुरु नानक साहब जी इन्होंने पिंडा आए। तो मैं उन्होंने संगत का धन्यवाद करें कि जो दूर बैठे गुरु साहब जी दे पवित्र कड़े दे जोड़ा कड़ा अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू दिता, वह गुरु नानक साहब जी के कड़े के दर्शन कर रहे हैं। सो बाकी गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन कराने आप जी है जी, वो जो मंत्र है ना आपका मंत्र है, हाँ उनको थोड़ा लिख के दे दो, लिख के दे दे, वो जो पंडित है ना वो थोड़ा लिख के दे ना, वो पढ़ाई करेगी ना उनको मोबाइल से। आप सुनना चाहते हैं ना वाणी, सुनना चाहते हैं ना, कौन कौन सुनना चाहते हैं गुरु नानक की वाणी को? सब लोग सुनना चाहते है ना। तो हम अभी जहाँ पे है, मैं जरूर एक दो दिन के बाद फिर जहाँ पे आ रहा हूँ, और लंगर भी करेंगे हम यहाँ पे, लंगर भी करेंगे, और उसके बाद लंगर के बाद आपको लिखा क्या है वो पढ़ के देखिए। संगत आओ, इत्थे संगत आके सच जे स्वर्ग देखना, तुसी ने ना जी सच जे प्यार देखना, बड़े बड़े गुरुद्वारे जिथे टांगा लैके खड़े ने, पाके चोले टांगा लैके कहंदे ने तुसी अंदर ना पड़ जाओ, नंगे सिर ना पड़ जाओ, कद प्यार वेखो करके, जो प्यार महसूस तो करके देखो। असी तो धर्म के वह बंधना च बंध के साढ़े अंदर होमे 3113-97-819-13-113। मैं गुरु कृपा करे आओ रल के एक लंगर लाइए, दोबारा नंबर रिपीट कर दे 9781913113। मैं इत्थे ही 3-4 दिन 9781913113 उपर भी मैं नंबर पा देवांगा अपना, मैंने 100-200 किलोमीटर तो फिर वापस आना पेगा, मैं आवांगा, तुसी मेरे नाल इदा लाइव वीडियो में आओगे तो देखोगे तुसी। जे कोई वीर नाल सेवा करना चाहता कर सकता, नहीं गुरु महाराज कृपा करे चाहे तन क्यों ना बेचना पवे, पर आपां सेवा जरूर करांगे। इस पिंड दे विच गुरु नानक का लंगर, वह 20 रुपए के लंगर विच बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है। देखो किन्ने बच्चे खड़े ने, तुसी निगाह मार के देखो, सो इत्थे फिर आवांगे जी, हाले कट के जा रहे हैं हम, कट के बाद पे जहाँ पे आएंगे और संगत लंगर जरूर करेंगे वहाँ, सभी सब बच्चों के लिए भी। क्या खाते हैं लंगर, क्या अच्छा खाना क्या खाते हैं यहाँ पे? भात कड़ा प्रसाद जी, कड़ा प्रसाद तो खुला बरतेगा, कड़ा प्रसाद तो होगा, हाँ कड़ा प्रसाद तो इतना इतना सबको बांटा जाएगा, कड़ा प्रसाद तो खाएंगे। खाएगा खाली खाएगा लूटी हुए ये लंगर हुए, लंगर हुए वहाँ पे भी कोई था जो कड़ा प्रसाद बांटता था जाके लोगों को, वहाँ पे भी जाएंगे। सो संगत जी इन्नी एक बेनती देने, क्योंकि शाम होने तो पहला पहला इतो असी कटक पहुंचना, फिर उतो कटक जा पूरी कितने भी रात रुकांगे, जा बालाशोर रात रुकांगे, उत्थे होटल ले लांगे जाके, फिर वापस आवांगे। गुरु कृपा करे जी, दो तीन दिन संगत दे सहयोग दे नाल असी इस संगत दे विच, तुसी खुद देखोगे कि
इत प्रकाश करके बाणी भी पढ़ा ते नाल संगत में समझावांगे भी सो तुहानू जगह ते दर्शन करवाउने आ सारी दे पूरा लिफाफा चक लिया और गुरु कृपा करे लंगर भी लगाएंगे अब लंगर लगेगा हमको खबर देगा मैं फोन कर दूंगा नंबर अभी एक दो दिन में हम कृपा करेंगे नया साल होगा है नी एक दो में फोन कर दूंगा अब सभी साहू जी कौन है ये है साहू जी ठीक है हाँ करेंगे मैं कॉल कर दूंगा आपको तू लंगर नंबर फोन किया था आपका नंबर हाँ तो कितना गाँव की कितनी की संगत है तो दो तीन गाँव है कितना कितने का खर्चा आ जाएगा खर्च में फोन में आपके साथ बात करूंगा फोन में बात कर देना भी जो भी दाल भात वगैरह है तो और कड़ा प्रसाद कड़ा प्रसाद की देगा सो संगत जी जेडे भी सेवा करनी चाहते ने उस जरूर दस देन फोन नंबर असि उत्ते लिख देवे
कड़ा प्रसादी दे ते लंगर ते नाल गुरबाणी दा लंगर गुरबाणी मेन ओ लंगर दी लोड़ नहीं है एक गुरबाणी दा लंगर लावांगे आके इन्हां नूं हिंदी दे विच आप जो मैं हिंदी में बोलूंगा कुड़ियां मैं समझा दे ना ठीक है हां तो मैं हिंदी विच बोलांगा ए उड़िया भाषा दे विच दसणगे तो गुरु नानक देव जी के मूल मंत्र का सारा आप इतने संगत को दसांगे जी सो ये गुरुद्वारा साहब लिखा उड़िया वाहगुरु गुरु गुरुद्वारा गुरु द्वार मुझे भी आने लगा है गुरुद्वार जहाँ पे संगत आती है बाकी नहीं, बाहर से पंजाब से कोई संगत आती है नहीं कोई संगत नहीं इत्थे आउंदी जी पर ए सारा सारा पिंड गुरु नानक देव जी नु कुल देवता दे नाम नाल जानदा हले तां पता नहीं लगे बात मालूम है बोलता नहीं है ऐसा ही कैसे जानदे हैगे इत्थे बारे इत्थे दे सिख जेड़े पर इदे बारे दसदे नहीं कहंदे दसदे नहीं बताते नहीं आपको सब लोग देता है हम लोग नहीं देता है ठीक है चलो मैं बताऊंगी सब नहीं बहना मेरी बहन है तू ठीक है मेरे पास शब्द नहीं है बहना कि मैं बोल सकूं कोई शब्द ये गुरु नानक के बच्चे हैं आपके नहीं बच्चे जब गुरु तेग बहादुर साहब ने आपके ऊपर कृपा की है ना तो आपके गांव में गुरु नानक आया है ना तो ये गुरु नानक का गांव है हमारा गांव नहीं है ये गुरु नानक का गांव है और गुरु नानक का गांव हमारे लिए हमारा गांव नहीं हमारा अपना गांव कोई नहीं है हमारे लिए जो गुरु नानक का गांव है वो हमारा सब सिख धर्म का गांव है सो गुरु कृपा करन जी वतो वत वीडियो नु शेयर जरूर करियो जी दो दिन तक असि टाइम दे देवांगे ते लंगर जरूर लगाना जी असि इत्थे गुरु कृपा करनगे ते कल्ला गुरबाणी दा लंगर नाल लगावांगे बाणी असि एक दो दिन दे विच विचार करके प्रकाश करके अच्छे तरीके दे नाल पिंड वाले नु भी पता लगे सच्ची कदे किन्ने सो सालां बाद गुरु नानक दे सिख जे आए ने ना इत्थे तो बाणी लेके आए ने बाणी दा प्रकाश थोड़ा दे दो वो गरीब है गरीब है और एक बुड्ढा है उनका आदमी जो वो बहुत बीमार है उनका अब ये जो दादा है ना उनके भी थोड़ा दे दो कोई बात नहीं लंगर लगाएंगे हम लोग को पता है बहुत गरीब है कोई बात नहीं लंगर लगाएंगे हम ठीक है सभी के लिए और अब मेरी बात सुनो आपका यहाँ के एड्रेस बोलेंगे तो बहुत संगत आएगी यहाँ पे सारी संगत मैं तो कुछ भी नहीं गरीब हाँ। तो एड्रेस असी दस दे एड्रेस बोल दीजिए थोड़ा सा एड्रेस मेरे को चाहिए मेरे को दे दो एड्रेस चाहिए नहीं आपका हाँ। बोली वो कहां बस जी कहां पे आइए सब आप आइए नंबर बोल दीजिए आपका ठीक है मेरा नंबर 7540 8328 32 866 और आप यहाँ पे जो कोई आना चाहता है संगत पंजाब से कहीं से भी आना चाहता है आना चाहती है मतलब कोई नहीं बोलता है बोलता नहीं कोई नहीं बोलता सब लोग को आना चाहते कोई बोलेगा तो आएगा ना नहीं कोई छुटा कोई नहीं बोलेगा तो कैसे आएगा पता है मैं क्या बोलता समझ आता नहीं चलो कैसे आ सकते हैं यहाँ पे आप लोग जब आना है ना हम लोग को बताने का इधर जाओ सब लोग खुद अच्छे का एड्रेस वीर जी यहाँ का एड्रेस आप बता दीजिए एड्रेस का एड्रेस बिरंचपुर है ना कहाँ से नजदीक पड़ता है जी नदी नहीं नहीं गांव कहां से नजदीक मतलब दूर है बाहर से किसी ने आना है तो वो कैसे आ सकते हैं यहां पे पहले कहां पे आएंगे हम तो बड़ा शहर कौन से हो गए चले ठीक है तो ऐसे ढूंढते पहुंचे हैं अच्छा तो आपसे आएगा अगर गाड़ी से हम तो गाड़ी से आए हैं ट्रेन से नहीं नहीं अपनी गाड़ी से आए हैं कोई अपनी गाड़ी से आना चाहता कैसे आएगा यहां पे यहां से कटक कितनी दूर है कटक 200-250 किलोमीटर है तो 3 घंटे का रास्ता है बालाशोर तो 1 घंटा बालाशोर नहीं जाएगा अच्छा वो तो जामझड़ी है ना ये इधर का जो है ना नजदीक जिधर है उधर वही आएगा लोकेशन पा देंगे लोकेशन असी पा देने लोकेशन डाल देंगे क्योंकि इतना पिंड नहीं लगाया जाना लोकेशन लगाया जाना मेन दोनों शहरों का नाम दस दो जिन्हां दे विचकार है हां जी हां जी ते कटक तो 2-250 किलोमीटर से शायद दस रहे ने पैंदा इत्थे बाकी असी देख लांगे जी उतना दूर से नहीं आएगा
फोन करके एड्रेस पूछ सकते हो, असी लोकेशन जिहड़ी है वो इहदे नाल ऐड कर दिंदे आ। इत्थे वी हले दो गांव होर ने इत्थे, ते क्योंकि इत्थे नजदीक कोई होटल भी नहीं रहने के लिए, थोड़ी दूर है रहिश के लिए, तो असीं इत्थों वापस जावांगे, फिर आवांगे, दो तीन दिन चाहे पांच दिन रहना पवे सानूं, असीं आंदे रहांगे तुहाडे लई, संगत लई, नवीं पीढ़ी दे लई दसदे रहांगे भी किन्नियां गुरु नानक दीआं संगतां इत्थे वसदीआं ने। तुहाडा अपना वीर भगवान सिंह खोज जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।